सो फ्रेंड्स, ये था 4 बजे, 4:30 का टाइम है या 5 बजे का है, वो अच्छे से ध्यान ही। ये है उड़द की दाल, जिसको कि मुझे भिगोना है, क्योंकि मुझे दही वड़े बनाने थे और मेदू वड़े भी बनाने थे, तो और एक वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि पहले मैंने जब मेदू वड़े बनाए थे तो वीडियो डिलीट हो गई थी, तो फिर मैं डाल नहीं पाई, एक चीज़ मेरी अधूरी रह गई थी। तो यहाँ पे बस भिगो दे रही हूँ, धो रही नहीं हूँ, क्योंकि पहले से धुली हुई है, धूप में सूखी हुई है, उसके बाद ही सेक कर भरी हुई है ये दाल, इसलिए तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, अच्छे से धुली हुई है। यहाँ पर मैं बर्तन लगा दे रही हूँ, जो बर्तन हो गए थे, तो आपको पता ही है ये टाइम मेरे किचन में आ जाने का होता है, और मकसद होता है किसी ना किसी तरीके से दिन को प्रोडक्टिव बनाने। ये देखिए, न्यू कप लेके आई हूँ, वो दिखा रही हूँ, एकदम से कलर पसंद आया, और गाड़ी में से मुझे एकदम से झलक दिखी, और मैंने इनको रोक लिया, 9:30 की बात है, और फिर मैंने फटाफट से ले लिए। मोती डूंगरी जा रहे थे ना, तो एक कप वाला एक ठेला था, उसमें मुझे दिख गए, मुझे फिर बस जो चीज़ पसंद आ जाए तो उसी टाइम ले लेनी होती, एक नज़र में या तो मुझे पसंद आ जाती, वरना मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पे आटा लगा लूँगी, क्योंकि जो दाल भिगोई है वो तो भिगोई है कल सुबह के लिए, ताकि सुबह को जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि दाल पीसो फिर बनाओ, उसमें बहुत टाइम लगता है सुबह सुबह। तो आज का मेन्यू है गोभी के पराठे, गोभी ही बची थी मेरे घर पर, और सारी सब्ज़ियाँ जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो आटा तो लगा के रख दिया, फिर मुझे बनानी थी गोभी के पराठे, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी ईलू नहीं खाती है, गोभी के पराठे बहुत चाव से खाती है, बहुत टेस्टी लगते हैं उसको, और सच में लगते भी बहुत अच्छे हैं। तो गोभी को ये चॉपर में चॉप कर लूँगी, धुल गई है, पहले धो ली थी, बाद में मतलब छोटे छोटे पीस करके धो ली थी, और फिर इसको चॉप कर लूँगी, और फिर एक बार मैंने इसको रख दिया था सब कुछ करके, क्योंकि मुझे बीच में 5 नहीं बजे थे, खाना वैसे 5 से 6 में बनाती हूँ, तो मैंने कहा बीच में फ्रिज को भी क्लीन कर लेते, क्योंकि फिर सब्ज़ियाँ आनी थी ना, आज ये लेके आएंगे सब्ज़ियाँ, तो फिर मैंने कहा चलो फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, तब क्लीन रहेगा तो आराम से बस सब्ज़ियों को लगाना बाकी रहेगा। तो ये मैंने इसका वो कर लिया है सारा, कद्दूकस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें हटा लूँगी पहले फ्रिज की, डीप क्लीन मैं नहीं कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग में तो मैं सारी ये शेल्फ वेल्फ हटाती हूँ, लेकिन बस इसको अच्छे से क्लीन करना है, और मकसद ये है कि देखो प्रोडक्टिव बनाना होता है दिन को, मुझे कोई भी टाइम खाली बचा है उसको किसी ना किसी तरीके से मुझे यूज़ लेना है, ज़रा भी टाइम मुझे नहीं बर्बाद करना है। तो आज मुझे 2 काम करने थे, एक तो छत बार बार आजकल गंदी हो जाती है तो वो साफ़ करनी थी, और ये फ्रिज को भी टाइम हो गया था यार, और फ्रिज में हम ऐसी कई चीज़ें फिर इकट्ठी हो जाती हैं यार 3-4 दिन में, कि जो यूज़ नहीं आती वो भी रखी रहती है, तो फ्रिज भी भरा रहता है और दूसरा गंदा भी रहता है। तो बस गीले सूखे कपड़े से इसको किया था प्लग हटा के, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं की थी, वरना जब डीप क्लीन करती हूँ तो मीठा बेकिंग सोडा वगैरह सब कुछ डाल के इसकी हटाती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी हम इसको साफ़ कर लेना, तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के समय का सदुपयोग मैंने ऐसे किया था कि बस फ्रिज को क्लीन किया ताकि सब्ज़ियाँ आएँ तो फटाफट से बस लगा दें, वरना क्या होता है कि पहले की चीज़ें रखी हैं क्लीन नहीं है और सब्ज़ियाँ भी ऊपर से आ गई तो फिर वो बच जाती, भसड़ मच जाती है एक तरीके से। तो बस ये ऊपर की चीज़ें या नीचे करके वहाँ को भी साफ़ करके वापस से चीज़ें जो है फटाफट फटाफट में जमा दूँगी। ये टमाटर बचे थे तो इनकी बस सब्ज़ी बनानी थी मुझे आज, गोभी के पराठे और टमाटर की सब्ज़ी। गोभी के पराठे बनते हैं तो ईलू तो देखो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाती है, और नहीं भी खाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि भाई सब्ज़ी के रूप में गोभी भी है और आटा भी है, तो सब्ज़ी रोटी वैसे ही हो जानी है। तो टमाटर की सब्ज़ी सिर्फ हमारे लिए बनानी थी। ये देखो फ्रिज को पूरा क्लीन कर दिया है, 2-3 संतरे 1 शिमला मिर्च बची है बस, और बाकी सब ये लेके आएंगे आज खूब सारी, जैसे कि जो जो हम लोग खाते हैं। फालतू की सब्ज़ियाँ मैं नहीं भरती हूँ कि जो नहीं खा रहे हैं वो भी ले आए, यानी इनको भी सख्त हिदायत दे देती हूँ कि जो ईलू खाती है जो हम खाते हैं वही सब्ज़ियाँ लेके आना, उनके बदले में भली फ्रूट्स आ जाते हैं, तो फ्रूट्स भी लेके आएंगे और जो सब्ज़ियाँ भी लेके आनी थी, तो इस वजह से फ्रिज को क्लीन कर दिया और इसकी डोर को भी आगे से भी क्लीन कर दिया। अब बस जो मैंने गोभी की तैयारी की थी, कद्दूकस की थी, चॉपर में की थी, उसको मैं छोंक दूंगी। हींग डाली है और मैंने डाला है प्याज और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, फिर डालेंगे गोभी और हरी मिर्च। इसके बाद इसको थोड़ा सा पका लेंगे और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल देंगे। वैसे तो कई लोग इसको कच्चा गोभी का पराठा बनाते हैं, बट मुझे पकी हुई गोभी का पसंद है और ईलू को भी इसी का पसंद है, और ये बिल्कुल मंचूरियन टाइप भी हो जाता है, इनको भी बहुत पसंद आता है ये वाला पराठा। गोभी के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, वैसे सब्ज़ी खाने मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगेगी उतना गोभी का पराठा लगता है। तो ये बेसिक मसाले डाल दिए, अमचूर डाल दिया, गरम मसाला डालना है तो वो डाल दो, तो थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि फटने का डर ना रहे, और साथ ही मैं थोड़ा सा हल्का सा जो भुना बेसन होता है ना वो भी डाल देती हूँ, तो बिल्कुल भी फटने का डर नहीं रहता, बाइंडिंग अच्छी आ जाती है उसमें। तो बस ऐसे ही मूली पे भी हम कर सकते हैं, मूली के लिए भी
तो बस फिर मुझे हरा धनिया डालना था, लेकिन हरा धनिया मेरे पास था नहीं। अरे यार, फिर मुझे याद आया कि यार हरा धनिया तो मैंने लगा रखा है, 3 गमलों में हरा धनिया हो रखा है, 2 में पुदीना हो रखा है। तो ये सब चीज़ें घर में लगी हुई होती है ना, और हरी मिर्च भी लगी रहे तो बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी ना ये चीज़ें हमारे घर में ख़त्म हो जाती है तो फिर ये लगता है यार सब्ज़ी अधूरी लगेगी, या कुछ जो भी अधूरा है वो अधूरा लगेगा। लेकिन ये घर में ही अगर हम सब्ज़ी या जो है उगा लें तो बहुत सही रहता है। ऐसी छोटी मोटी हरी मिर्च, हरा धनिया और ये, और चाहे तो और भी सब्ज़ी हम कर सकते हैं, बैंगन भी आ जाते हैं, करेले भी बहुत अच्छे आते हैं, घिया भी बहुत अच्छा आता है, टमाटर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब और गमले लाऊँ और फिर सब्ज़ियाँ भी लगाऊँ। तो यहाँ पे बस ये घर का जो धनिया है ना, उसका टेस्ट मस्त ही था यार। तो बस ये डाला मैंने और ये बस स्टफिंग को रख दिया था पैक करके, और फिर बस किचन का काम कंप्लीट। अब जो है वो थोड़ा रात को करना है, जब गोभी के परांठे बनाऊंगी ना तब मैं दाल को पीस दूंगी और दही वड़े बना के रख दूंगी। यहाँ पे बस क्लीन करके, और बस मुझे आगे के काम भी करने थे, तो बस किचन को क्लीन करके और पोछा वोछा मुझे लगाना था, क्योंकि फ्रिज को क्लीन किया था ना, तो फ्रिज क्लीन करने से वहाँ वहाँ फ्रिज के आसपास थोड़ी सी गंदगी हुई थी। झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी थी, 4 बजे से पहले ही लगा लेती हूँ, 4 बजे के बाद झाड़ू लगानी नहीं चाहिए इसलिए। और गर्मी आ गई है तो बहुत डस्ट आती है यार, और आसपास के पता नहीं कहाँ कहाँ से पेड़ के जो पत्ते वगैरह है ना वो भी उड़ के आ जाते हैं, मिट्टी भी आती है छत पे, तो वो छत से फिर घर पे अंदर भी आ जाते हैं। एक रूम हमारा पूरा खुला रहता है, चौपट हम 12 घंटे उसी में बैठे रहते हैं, तो उस वजह से गेट खुला रहता है तो सारा घुस जाता है। तो सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी 2-2 टाइम सफाई करने की, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। और ये लोग घर पर रहते हैं तो खाना पीना भी जो होता है तो वो भी गिरता रहता है, तो वो भी झाड़ू करनी होती है। तो झाड़ू करके फिर बस मैंने पोछा भी लगा दिया था फिनाइल डाल के, और बाहर भी लगा दूंगी पोछा। और आज मुझे करनी थी छत की भी सफाई, तो ये देखो आज के टाइम पे मैंने ये कर लिया था काम कि छत की सफाई कर ली, फ्रिज की क्लीनिंग कर ली, तो दिल में भी एक संतुष्टि रहती है। और हर दिन जो टाइम बचे ना उसमें ऐसा एक्स्ट्रा काम निकाल लेना चाहिए, कभी के अलमारी साफ़ कर ली, कभी बाथरूम क्लीन कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो इससे बोझ नहीं बढ़ता है, कि एक साथ करने का बोझ भी नहीं बढ़ता है। तो छत भी आजकल बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, गंदी हो जाती है, पेड़ों के पत्ते और पता नहीं कहाँ से उड़ के आ जाते हैं, तो वो हर दो दिन तीन दिन गंदी नहीं हुआ करती थी, आजकल हर एक दिन में ही गंदी हो जाती है। और फिर कबूतर भी आते हैं, तो कबूतर आते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गंदगी भी कर जाते हैं, आपको पता है ना कैसी वाली गंदगी करते होंगे, तो वो भी साफ़ करना था। तो बस उस तरफ की फिर इस तरफ आई, और फिर जब कचरा एक एक कोने पे ना मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और उससे उठा के और फिर एक डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो और आज मुझे बाल भी धोने थे, तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं छत की भी क्लीनिंग, लेकिन उतना टाइम नहीं था कि बाथरूम भी क्लीन कर दूँ, तो बाथरूम मैंने सोचा बाद में क्लीन करूँगी। तो आज मैंने ये 2 काम किए, और आजकल स्पीड बढ़ गई है, मैं बताती हूँ ना, क्योंकि माइंड में जो टाइम रहता है ना मेरे कि हाँ इस टाइम तक मुझे ये सारे इतने काम मुझे ख़त्म करने हैं, तो हर 10-10 मिनट में सारे, ज़्यादा लंबे वाले काम भी 10-10 मिनट में होते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ, ब्रश कर लूँगी। तो किसी ने मुझसे पूछा आप शाम को ब्रश क्यों करते हो मुँह धोते वक्त, तो क्या करूँ लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर, क्यों, क्योंकि मैं फेस को वॉश करती हूँ तो ब्रश भी कर लेती हूँ। ब्रश सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, और देखो दिन भर में हम कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहते हैं, तो चिपचिपाहट सी जब भी मुझे फील होती है ना, इस वजह से मैं ब्रश कर लेती हूँ। अब देखो इस बात का भी, छोटे से सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया है, कोशिश यही करती हूँ कि हर सवाल का जवाब दे दूँ, अगर मुझ तक वो सवाल पहुँचा है तो। कुछ सवाल स्पैम में चले जाते हैं, उसका मैं जब चेक करती हूँ तभी दे पाती हूँ। तो यहाँ पे बस नाली थी, बाल धो लिए थे और तैयार हो जाऊँगी इनके आने से पहले, तैयार पहले भी रहा करती थी, अब ये जाने लग गए तो अब वापस से आते हैं, तो इनको अच्छा लगता है कोई तैयार मिलती है ना वाइफ, तो हस्बैंड्स को ना अच्छा लगता है, इसलिए तैयार होके रहना चाहिए जब हस्बैंड आए ना घर पे तब। तो पहले तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के खूब सारी चूड़ियाँ डाल के रहा करती थी, अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल से पहन लिए कपड़े, और ये बाल सूखे नहीं थे, और मैं आजकल ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि फिर नेचुरली इनको सूखने देती हूँ। तो बस अभी ये सूखे नहीं थे तो वापस मैंने टॉवल बांध लिया था, और अब फिर मुझे जाना था बाहर। बाहर भी तो थोड़ी बहुत ताका झाकी करनी पड़ती है यार, मन कैसे लगे, काम के बाद अपने माइंड को रिलैक्स किसी तरीके से तो करना पड़ता है। अभी वॉक वगैरह नहीं है मेरा, अभी मैं 4-5 दिन बाद वॉक और एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। और बस यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, उनको देख लेती हूँ तो माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा इधर उधर देख लेती हूँ तो माइंड फ्रेश हो जाता है, तो किसी और के क्रियाकलाप देखो ना तो माइंड बड़े अच्छे से फ्रेश होता है। तो बस फिर इसके बाद ईलू भी अंदर आ जाती है, वो पढ़ लेती है, या मैं उसका थोड़ा सा कुछ सुन लेती हूँ, पढ़ा लेती हूँ,
और फिर वही शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट डे के, प्री प्रिपरेशन कर लेती हूँ, कोई टाइम बचता है तो अब ये आते हैं 8:30, तब तक करें भी क्या, तो फिर ऐसे टाइम पास कर लेते हैं कुछ ना कुछ काम निकाल के। तो दिन को प्रोडक्टिव बनाने की बड़ी कोशिश करती हूँ मैं, अब बनता है नहीं बनता है वो पता नहीं। लेकिन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। मेरा काम सारा हो गया, अब बस वो दाल जो है उसको मैं पीस करके कुछ तो मैं सुबह के लिए रख दूँगी, कुछ के मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ मेरा मूड हुआ तो मैं दही बड़े बना के रख दूँगी, तो दही बड़े तो ख़राब होते नहीं, नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वो कर लेंगे, है ना, मतलब बड़े बना देंगे दही में तो मज़ा आता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था जीजू ने क्या गिफ्ट दिया वैलेंटाइंस डे पे, तो देखो सबसे बड़ा गिफ्ट तो जीजू ही है और दूसरा मेरे कहने पर वो इधर उधर मुझे ले जाते रहते, उसमें वही सबसे बड़ी बात है कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, जो वर्क फ्रॉम होम है उनको एक भी वीकली ऑफ नहीं है, तो बिना वीकली ऑफ के भी वो एडजस्ट करते हैं लेके जाते हैं, वही सबसे बड़ी बात है, है ना। और एज अ गिफ्ट मैंने वहाँ से खरीदारी थोड़ी बहुत छोटी छोटी खरीदारी, मुझे तो पसंद है, देखो हमेशा ही मैं कहती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ मुझे मिल जाती है। तो क्या लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे इलू के लिए पसंद आया था ऐसा, तो सेम का सेम मैंने भी ले लिया, तो ये देखो ये मैंने लिया सेम टू सेम इलू के लिए लिया है, और स्कर्ट लिया है एक, वो भी मैं दिखाऊंगी, एक मैंने ये लिया, ये देखो ये रेड कलर में नहीं था, मुझे ऐसे वाले बहुत पसंद है, जब शर्ट वगैरह पहनो शर्ट और स्कर्ट या फिर सिल्क की साड़ी वगैरह पहनो तो उसमें ये वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने एक ये लिया, ठीक है। और एक मैंने लिया वही ईयर रिंग्स, मैंने कहा था कि मुझे पसंद आए थे, तो इसी तरीके के मुझे पसंद आते हैं यार, पता नहीं मैं ज़्यादा मेरे पास ऐसे ही ऐसे हैं, आपको कभी दिखाऊंगी ऐसे ऐसे मेरे पास ज़्यादा हैं, तो ये मैंने लिए, एक मुझे और पसंद आ गए तो मैंने और ले लिए, ऐसे ही यही मतलब चीज़ यही है, मुझे पसंद ही यही आते हैं, क्या करूँ, एक ये वाले हैं तो मल्टी कलर है ना इसमें तो अच्छा लगेगा, तो इसमें भी चल जाएगा ये स्कर्ट और इस पे, है ना, तो ये लिया। अब स्कर्ट दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ कैमरा फिर दिखाती हूँ। इलू के लिए भी मैंने ऐसा ही सेम टू सेम लिया, तो ये गिफ्ट ही, और अभी मुझे शॉपिंग करनी है, मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं है, इनको बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, सिटी से ही मैं करती हूँ, मैं गर्मी आ रही है तो भैया मैं स्कर्ट और ही पहनती हूँ इस वजह से, तो मुझे स्कर्ट और कुर्ते वगैरह लेने, ये इलू का भी है, तो मैं और इलू ना किसी दिन जीन्स के ऊपर ये सेम सेम पहनेंगे, इसलिए हमने सेम लिया। इसके में पॉम पॉम भी है, मेरे में पॉम पॉम नहीं है, तो ये देखो थोड़ा बहुत शरीर में बिल्कुल सेम नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, तो चलो मैं स्कर्ट दिखा देती हूँ, वो दिखा ही होगा आपने वीडियो में, ये देखिए ये स्कर्ट है, इसमें ये इलू भी पहन सकती है क्योंकि इलू और मेरे सेम साइज आता है, तो इलू भी पहन सकती है, ये देखो नीचे ऐसा है, ये देखो नीचे से ऐसा है और रेड है, और इसके ऊपर वो वाइट कुर्ती भी पहन सकती हूँ मैं, तो ये मेरा गिफ्ट ही है और अभी तो मुझे और शॉपिंग करनी है लेकिन नेक्स्ट मंथ करूँगी, अभी जाने का कोई सतूना नहीं है यार, इसलिए बस यहाँ पे जो है ये दही बड़े बना लूँगी और मेदू बड़े कल सुबह बना लूँगी, उसके लिए मैंने अलग दाल कर रखी है और तुअर की दाल और भिगो के रख देती हूँ फ्रिज में, आपको पता ही है कैसे क्या करती है रखती हूँ, तो बस ये कर लिया था, थोड़ा बहुत ही शूट किया क्योंकि मोबाइल में जितना स्पेस होता है उतना शूट कर लेती हूँ, तो सुबह और शाम देखो काम ही काम रहता है और पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखूँ आराम के साथ, ऐसा नहीं है आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आराम भी करती हूँ साथ में अपने आप को पूरा बिज़ी रखती हूँ, दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ और बिज़ी इसलिए रखती, कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो है ना मेरे माइंड में जगह ना बना सके, तो इस वजह से, और साथ में आराम भी कर लेते हैं अपना माइंड भी फ्रेश कर लेते हैं, तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स आज है अंशिका का बर्थडे, तो अंशिका को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे अंशिका। और इलू अभी पढ़ाई कर रही है, उसकी क्लासें लगती रहती है, उसके एग्ज़ाम्स है फाइनल एग्ज़ाम्स, तो बिल्कुल पढ़ाई में ही है, उसकी क्लास भी है, तो इस वजह से इलू विश नहीं कर पाएगी, उसके लिए सॉरी क्योंकि वो बिज़ी है अभी, तो क्लास के बीच में मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो एक बार फिर से अंशिका हैप्पी बर्थडे, अच्छे से इन्जॉय करना, तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।